नर्मदे हर नर्मदे हर, ये माखन खेड़ा का घाट। इस सब वो बांध और संगम वेदा और नर्मदा जी का, और इस तरफ है मंडेश्वर और हम इस तरफ जा रहे हैं। मंडेश्वर उस नदी के उस तट पे है जो सामने दिख रहा है और हम इस तट पे हैं। जब हम समुद्र पार करके वापस आएंगे तब वो महेश्वर और मंडलेश्वर शिव जी के दर्शन होंगे। ये शिव जी के मंदिर हैं और हम नर्मदा जी के तट पे किनारे किनारे चल रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर, तट के साथ चलने में जो आनंद आता है वो रोड में या तट को छोड़ के जाने में नहीं आता है। मगर जहाँ पे मजबूरी होती है, रास्ता नहीं होता है, वहाँ पे जाना ही पड़ता है। देखिए पानी के बहाव ने इसको कैसा रूप दे दिया है। और ये पानी के धार से ये कगार कटे और ये गुफाएं जिनकी मैं बात किया कर रहा था, ये किसी ने बनाई है या कोई रह रहा था। पर ये प्रकृति के द्वारा ही बनी हुई है और ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं किनारे किनारे। ये जल के बहाव की वजह से बनी हुई है। ये काफ़ी ऊंचाई पे है तो इसलिए हम वहाँ जा नहीं सकते, पर आपने देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ऐसी गुफाएं बनी हैं स्वतः ही प्राकृतिक रूप से। तट के किनारे किनारे चलने में ही ऐसी अद्भुत चीज़ें दिखती हैं, इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि तट के किनारे किनारे ही चलें। हर जगह सेवा भाव वाले लोग, सभी जगह सेवा भाव वाले ही लोग। देखिए जल के बहाव से ये गुफाएं बन गई हैं। अगर ये पत्थर की होती तो ये गुफा बहुत अच्छी बन गई होती, पर ये मिट्टी की है इसलिए ढह जाएगी। मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़। नर्मदे हर नर्मदे हर, रास्ता ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से कैमरा ज़्यादा हिल जाता है, तो इसलिए जो ज़्यादा हिल रहा है स्पष्ट नहीं दिख रहा है वो, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हालांकि पूरी कोशिश रहती है कि कम से कम हिले, मगर रास्ते इतने उबड़ खाबड़ हैं कि कितनी भी कोशिश करने पे भी स्थिर नहीं रह सकता। पर जहाँ पे सुंदर दृश्य आ जाते हैं मनोरम देखने वाले, फिर वहाँ पे रोक कर ही खींचता हूँ ताकि वीडियो शूट करता हूँ ताकि सही सही दिखे, समझ में आए। और एक और शानदार गुफा, वाह,
हम ऊपर और नहीं जा सकते हैं, पर अब ऊपर क्योंकि चढ़ने का रास्ता नहीं है, सबसे ऊपर बड़ी मुश्किल से चढ़े हैं, पर है गुफा अच्छी। ये तो ऐसे लग रही है जैसे बनाई गई हो, मगर ये बनाई नहीं गई है, बनी ही है। पानी के दहाव से बनी गुफाएं मिट्टी की। ये नर्मदा जी का जल, नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये एक और गुफा, हम ऊपर से जा नहीं सकते, इसलिए पूरी गुफा स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सकते, पर है गुफाएं काफ़ी ज़्यादा। एक गुफा और है, तो उसे मैं तो देख पा रहा हूँ, पर कैमरे से दिखा नहीं सकता। क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पे है और ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, पर है गुफा बड़ी और शानदार। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। हाँ ये देखिए, मट्टी की गुफा, ऐसा कहना संभव तो नहीं है कि यहाँ कोई पहले रहता था, क्योंकि मट्टी की है, हर साल बाढ़ के टाइम पानी भर जाता है, उसे कटाव से ये गुफाएं बनी हैं, पर बनी शानदार है। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं बहुत सारी हैं, हम ऊपर भी आ गए, ऊपर आने का रास्ता मिल गया। और जिस गुफा की बात मैं कर रहा था वो ये है, देखिए शानदार गुफा। इसे काफ़ी जगह है कि दो तीन लोग आराम से आ जाएं। नर्मदे है नर्मदे है। देखिए मैं अभी गुफा में ही बैठा हूँ और ये मेरे पीछे आप गुफा देख सकते हैं। मैं इसलिए बैठा हूँ ताकि आप देख सकें कि मैं गुफा के अंदर बैठा हूँ, कितनी बड़ी गुफा है। कि मैं आराम से आ सकता हूँ, मेरे जैसे दो तीन लोग और आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट भी सकते हैं। और ये प्रकृति द्वारा बनाई गई गुफा है, केवल पानी के कटाव से ही ये बनी है।
ऐसे नर्मदा जी के तट पे लीजिए महात्माओं के रहने की व्यवस्था भी है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। लगातार गुफाएं कच्ची मिट्टी की मिलती हुई गुफाएं, ज़्यादा बड़ी नहीं है मगर फिर भी अच्छी हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ी गुफा होने का मतलब है कि वो कभी भी ढह सकती है, गिर सकती है। क्योंकि बड़ी गुफा रहेगी तो कोई ना कोई महात्मा साधु सोचेंगे यहाँ पे रुक के भजन अपना कर सकते हैं, और मिट्टी की गुफा कभी भी गिर सकती है या बाढ़ में कट सकती है। पर जो भी है महादेव की कृपा ही है। ये मिट्टी के बड़े बड़े पहाड़ ढेले, नर्मदे है नर्मदे है। ये मंडलेश्वर शिव जी का मंदिर, ये मंडलेश्वर का घाट, ये दूसरी तरफ है तट के। जब हम समुद्र से पार हो के इस तरफ आएंगे तब यहाँ पे पहुँचेंगे। ये मंडलेश्वर का मंदिर शिव जी का। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये फिर घास का मैदान, नर्मदा तट पे आपको दो चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, एक तो घास का मैदान, दूसरा ये मोटर पाइपलाइन जिससे खेतों की सिंचाई होती है। यहाँ भी ऐसे ही है। ये मंडलेश्वर का घाट, नर्मदे है नर्मदे है। ये मोटर पाइपलाइन देखिए, तारों का ऐसा जाल है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बनाया गया है मगर ये कुछ और नहीं, क्योंकि केवल तारों का जाल है। मोटरों के लिए यहाँ से पाइप द्वारा खेती के लिए पानी ले जाया जाता है, जिसे क्षेत्र में खेती होती है। देखिए इतनी हरी भरी घास का मैदान, ये बकरियों गायों के लिए जानवरों के लिए वरदान ही है। ऐसी हरी सुंदर घासें अक्सर केवल लॉन में होती हैं, वो भी अच्छे महंगे गार्डन के, और यहाँ पे केवल सतह ही है। न कटाई की ज़रूरत, न छटाई की ज़रूरत, न जल की, न सिंचाई की, न वजह मैया अपने आप ही इसको व्यवस्थित कर देती हैं। ये घास होती है, जानवर खाते हैं, इनकी कटाई हो जाती है, और इस फिर पानी आता है ऊपर, फिर सिंचाई हो जाती है, फिर घास बड़ी होती है, और फिर गाय के लिए। ये नर्मदा जी का उन पशुओं के लिए, उन जीवों के लिए भोजन देने का काम करते हैं, जैसे सब्जी के लिए अन्न के लिए जल देती हैं, वैसे ही इन पशुओं के लिए, इन जीवों के लिए ये घास का मैदान बना रखा है माता ने, जिसको ये बार बार सींचती रहती हैं और ये खाते रहते हैं। फिर वो जड़ बची रहती है, फिर जल आता है, फिर वो बढ़ती है, और ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, जैसा कोई लॉन हो।
नर्मदे विहार भैया, नर्मदे विहार भैया, ये आगे रास्ता ठीक है? अच्छा कटोरा तक जा सकते हैं? ढाई किलोमीटर में कटोरा पहुँच जाएगा। अच्छा तब बढ़िया है, धन्यवाद। रास्ता ऐसे ही है ना? हाँ चलो पगडंडी। हाँ जी जी धन्यवाद, नर्मदे विहार। ये महेश्वर मल्लेश्वर का घाट सुंदर रंगीन कलरफुल, जब उस तरफ आएंगे तो वहाँ के दर्शन भी होंगे आपको, हमको सभी उसका भी आनंद लेंगे। अभी इस हरी भरी घास का आनंद लेते हैं। देखिए एकदम हरियाली, एकदम हरी भरी। ऐसा लग रहा है जैसे मैच का ग्राउंड हो, अक्सर इतनी हरी भरी घास मैच के ग्राउंड में ही देखने को मिलती है या फिर किसी के लॉन में। इसी ये तट के किनारे किनारे जाने का जो सुख है, आनंद है, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अगर अभी हम रोड पे जाते, रोड तो धूल, गाड़ी की धुआं, मिट्टी और बहुत सारी चीज़ें मिलती। अभी किनारे किनारे जा रहे हैं, मैया के दर्शन होते जा रहे हैं, इससे बड़ा तो कोई सुख हो ही नहीं सकता। दूसरा हरी भरी घास, आंखें एकदम हरी भरी हो रही हैं और शांति, एकांत, न धूल न मिट्टी न कुछ भी नहीं, आनंद लेते हुए प्रकृति का। और ये मोटरों की आवाज़ ऐसी लग रही है जैसे कोई दिदम में कोई म्यूजिक बज रहा है। इस समय छाँव में इतना आनंद आ रहा है, अभी जून जनवरी का ही महीना चल रहा है मगर धूप इतनी ज़्यादा है लग रही है कि छाँव में आते ही ऐसा आनंद आता है जैसे स्वर्ग ही सुख है। और हमने बहुत अच्छा किया जो हम किनारे किनारे चल रहे हैं तो पेड़ों की छाएं भी मिल रही हैं। नर्मदे विहार, नर्मदे विहार, नर्मदे विहार। ये इस गांव का घाट नर्मदे विहार, नर्मदे विहार। ये कौन सा गांव का घाट है? ये माखनखेड़ा। माखनखेड़ा, अच्छा। और कटोरा आगे, कटोरा आगे है। कितनी दूरी पे होगा वो? सामने झाड़ी दिख रही है ना, इसके सामने। हाँ हाँ, वो गांव दिख रहा है सामने। हाँ हाँ, उधर उस झाड़ी के आगे सामने वो गांव है, वहाँ से। अच्छा तो इधर से सीधे किनारे किनारे जा सकते हैं? किनारे किनारे रास्ता खराब है, तुमको गाँव में से जाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब जाने लायक ऐसा नहीं है जैसे इधर मिला है? रास्तों तो चाहे से भी जा लो। हाँ चली जाए तो कभी साहब तुमको बताओगे थोड़ा रास्ता अच्छा भी है। अच्छा नहीं, इसे बंद ना हो बस, बाकी तो चल जाएगा। आप ही चली जाएगा? हाँ तब बस ठीक है, उतना ही भीड़ पे होगा? ना ना ना, धन्यवाद। ठीक ठीक, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक, नर्मदे है। हाँ हाँ जी 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 जी, क्योंकि यहाँ के लोग नर्मदा जी के परिक्रमा करने वाले को का बड़ा मान करते हैं और बहुत ही उनकी सेवा करते हैं, बहुत आदर भाव से मिलते हैं, उसका हाल चाल लेते हैं।
घास का जो देखने का आनंद है, आप देखिए एकदम घास से ही घास, हरी हरी घास पूरे में हरा भरा, इतना आनंद आ रहा है देखने में, कुछ कहने के लिए इसके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। ऐसा लगा रहा जैसे बहुत पैसे खर्चे करके लगवाई गई है। पर ये सिर्फ केवल मैया की कृपा से ही है, और ये मुलायम भी बहुत है, चलने में भी बहुत आनंद आ रही है। मैं चल रहा हूँ तो बहुत मुलायम लग रही है, मन तो कर रहा है पैदल ही चले, उसे चला जा सकता है। चप्पल हाथ में लेता हूँ, अभी इतना आनंद आ रहा है चलने में। हरी भरी मुलायम मुलायम घास पैरों को जो आनंद दे रही है, इसको बयां ही नहीं किया जा सकता। एकदम मुलायम आनंददायक, पर हमें जल्दी चलना है इसलिए ये चप्पल पहन के चलनी पड़ेगी, क्योंकि कमंडल, छड़ी और चप्पल और मोबाइल ये एक साथ नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पेड़ बहुत ही शानदार पेड़ हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ पास से। नर्मदे हर नर्मदे हर, देखिए बहाव से जल के सारी मिट्टी इसकी बह गई है, और ये एक शानदार रूप रख हो गया है।